ये वर्ड अगर यूज होता ना तो मुझे कोई इशू ही नहीं था सर। काला धुआं निकल जाता तो समझ आ गया तो सूख जाता पूरा का पूरा। बाकी और लास्ट आज आपसे बात हो रही है सर, मेरे को 7-8 बंदों से बात हो गई है सर, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा अभी तक। आप जितने अच्छे बन के दिखाओगे ना, हम्बल बन के दिखाओगे, ग्राउंडेड, दुनिया ना पेलती है। एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कि ऐसे मिसलीड करेंगे, अभी एक महीना भी नहीं हुआ यार पॉलिसी लिए। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस, सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्ती में और एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस आज सुबह सुबह मौसम इतना बढ़िया हो गया था, मतलब बारिश हुई है दबाकर, और उसके बाद भैया चेंजेस क्या हुए हैं, क्योंकि पहले जो बारिश हो रही थी ना उसके बाद सफोकेशन, ह्यूमिडिटी, मतलब बाहर निकलते पसीने पसीने। आज मौसम कमाल का है, मतलब आप बाहर निकल सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई परेशानी होने नहीं वाली, जैसे मुझे लग रहा है क्योंकि मैं काफी देर से बाहर ही खड़ा हुआ था। शो यू बाहर का, मतलब थोड़ी थोड़ी धूप तो आ चुकी है भैया, यार काफी देर हो चुकी है, सुबह से बारिश बहुत जबरदस्त चल रही थी, झमाझम झमाझम। तो आजकल हमारी प्रैक्टिस नहीं चल रही भाई, हमने ना पहला मैच जीत लिया है, कमाल का मैच हुआ है, और बीच में मैं ट्राई करूंगा कि व्लॉग बनाऊंगा क्रिकेट का भी। पहला मैच हम जीत चुके हैं, बहुत शानदार 17 ओवर में 200 प्लस रन हमने चेस कर दिए थे, और आपके भाई की कमाल की बैटिंग थी, छोटी इनिंग थी 28-30 रन की, बट कमाल की छक्के छोड़े थे, एक ही ओवर में 22 रन, ले छक्के ले चौके। गाइस एक चीज है यार जो आपसे शेयर करनी है, क्योंकि आप मेरी फैमिली भी है, आपको पता भी होना चाहिए क्या चल रहा है। दो दिन से यार बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ये एक पॉलिसी बाजार कंपनी है यार, वी ट्रस्टेड देम, और तभी हमने उनका सहारा लिया कि हम एक पॉलिसी ले लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शालू जी? हाँ जी। तो पॉलिसी हमने उनके थ्रू ले ली, हमने थर्ड पार्टी एजेंट को नहीं हमने अप्रोच किया, हमने सोचा कि यार ये इनके कस्टमर बैंक बहुत ज्यादा है और हमें हर चीज में हेल्प मिलेगी, लास्ट क्लेम सेटलमेंट सब कुछ। बट यहाँ पे आके जो उन्होंने प्रोसेस किया, हमने पॉलिसी बाय कर ली और सारी चीजें क्लियर शायद नहीं करी थी, जो उनके एडवाइजर आए थे उन्होंने नहीं करी थी, हमने तो मतलब अपनी तरफ से जितना, मतलब हम तो यार हम तो हमने तो बहुत कुछ पूछा उनसे, इवन तो हम ही उनको पुश कर रहे थे यार ये बताओ वो बताओ ये बताओ वो बताओ, बट वो हमें सिर्फ एक ही चीज पे लेके आ रहे थे बार बार, सर पेमेंट कर दूं, पेमेंट कर दूं सर, ये एक ना एक ब्रैकेट होती है विंडो की, अगर ये क्लोज हो जाएगी तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा, एक्स वाई जेड। तो हमने पेमेंट वन गो में 2 साल की कर दी, उसमें कुछ डिस्काउंट मिलना था, और हमने स्पेशली बोला था कि हमें कोई ईएमआई का ऑप्शन नहीं चाहिए। बट लेटर ऑन, मतलब 20 दिन बाद हमें ये पता चल रहा है कि उन्होंने वहाँ पे EMIs करवा दी हैं, और जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस बन चुके हैं। अगर हम प्री क्लोजर करवाते हैं तब भी हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे, या नहीं करवाते फिर तो आपको पता ही है कि 4% GST, उसके बाद उनकी सर्विस टैक्सेस, बहुत कुछ लग रहा है यार। तो बिना पूछे तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज सही है भाई, बिना इंटीमेशन के, बिना कॉल, बिना SMS, बिना टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो यार, इतना बड़ा ब्रांड हो, सिंस लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग एंटायर पैन इंडिया, दिस इज आई ओपनर यार, दिस इज कंप्लीटली शॉकिंग टू अस। मतलब 2 दिन से तो इसी चीजों में लगे हुए हैं, मतलब पूरा कल मैंने कल बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाया, नॉट इवन रील, नॉट इवन शॉर्ट्स, कुछ भी नहीं यार, पूरा टाइम मैं इनके कस्टमर केयर का सर खाता रहा कि यार मुझे रेजोल्यूशन दे दो, आप अपने रिमार्क्स दिखा दो, अगर मैंने कहीं पे बोला हुआ है कि आप इसको EMIs में कन्वर्ट करो तो प्लीज करो, कह रहे सर कुछ नहीं। आज थर्ड डे है और अभी मैं आपके सामने ही लाइव कॉल करने वाला, देखते हैं क्या रेजोल्यूशन मिलता है, ठीक है। एक्चुअली गाइज अभी ना जो एडवाइजर है हमारे पास यहाँ आए थे ना, जिन्होंने क्लोज किया था, उनका कॉल आ रहा है, तो एक बार कॉल सुनिए आप। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, सर कम टू द पॉइंट, आपको कोई रेजोल्यूशन मिला सर हमारे केस का? सर लेट्स कम टू द पॉइंट, कोई रेजोल्यूशन मिला हमारी क्वेरी का सर? सर मैं एक बार यही चीज आपके वर्ड्स में दोबारा आपके सीनियर से एक बार बात करना चाहूंगा कि आप मुझसे कॉल करके एश्योरेंस मांग रहे हैं कि व्हाई डिड यू कंप्लेंट अबाउट मी? सर योर वॉइस इज क्रैकिंग अलॉट, इट्स नॉट ऑडिबल टू मी, या इट्स मम्बलिंग अलॉट सर, या कॉल मी बैक अगेन। वैसे आदि तुमको ना बोलना चाहिए था, बोल रहा है ना बंदा कंप्लेन, क्योंकि उसने हमें मिसलीड किया है। Hello, which was not informed to me. That is why the concern has been occurred. This wasn't informed to us. Otherwise, I would have made the payment right away after making the payment to Policy Bazaar. मुझे कोई issue नहीं था सर, मैंने बोला ही नहीं इनको, मेरे को convert करके दीजिए. Otherwise, मैं क्यों wait करता? मैं तो billing cycle का wait कर रहा था ना सर. Sir,
मुझे बैंक कह रहे हैं सर आपके एंड से कोई इशू नहीं है सर, आप उसको डीएक्टिवेट कराइए, कैंसिलेशन कराइए ईएमआई का, और अभी आप 9th of August तक पे करिए, विल बी नॉट पुटिंग अ सिंगल परसेंट ऑफ चार्जेस ऑन योर कैपिटल अमाउंट। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, एक्शन लीजिए जो मर्जी लीजिए, दैट इज नॉट माय कंसर्न। आपने ऐसी तैसी ऐसे करनी पड़ती है, आप जितने अच्छे बन के दिखाओगे ना, हम्बल बन के दिखाओगे, ग्राउंडेड, दुनिया ना पेलती है, आप समझ जाओ पेलने का मतलब। तो अभी मैंने उनकी अच्छी तरह लेनी करी है कि आप किसी को पागल मत समझो, आई एम ऑल्सो अ ग्रास रूटर। ग्रास रूटर क्या होता है, नीचे से उठा हुआ बंदा, सब कुछ पता है, हायरार्की क्या है, प्रोसेस क्या है। मुझे कह रहे हैं कि हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे, एक्शन लेंगे, अरे डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू यार, आई एम नॉट कंसर्न ऑफ इट। दिमाग खराब कर दिया यार सच में, इतना हम्बल होकर बात करो, सर आप पेमेंट कर दीजिए, कहीं वो इंक्रीज ना हो जाए, मतलब मैं पेमेंट कर दूं उसके बाद तो खत्म हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया। कितने तेज हैं यार, ये सोचते हैं कि बंदा पता नहीं कहां से, कहीं बाहर से आया है, पहली बार दिल्ली में आया है, इसको कुछ पता ही नहीं है। चलो यार अब काम डाउन हो जाए यार, ये लाइफ का पार्ट होता है, ये सारी चीजें मतलब आ जाती है आपकी लाइफ में, मतलब बहुत सारी समटाइम्स आपको ना कंफर्ट लेवल से ना आपकी जो एक्चुअल आपकी इमेज उससे हट के ना एंगर शो करना पड़ता है, क्योंकि लोग ऐसे ही है यार, लोग आर सिटिंग आउटडोर टू मेक यू फील पुअर एंड फूल, तो आपको हमेशा वो ना मैनिपुलेट करेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ना एंगर दिखाना ही पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड आई हैव बीन टू दिस थिंग सिंस वेरी लॉन्ग, तो मुझे पता है कि ये काम कैसे निकलवाना होता है, ये मतलब आपको ट्राई करेंगे, अभी भी शांत हो जाते हैं, ये अपने एम्प्लॉयज को डिफेंड ही करेंगे, अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करेंगे, और आपको दे विल ट्राई टू प्रूव रॉन्ग, क्योंकि मिसलीड का केस है, हमें बताया ही नहीं गया है, जो चीज थी वो आधी अधूरी बताई गई और पेमेंट पे फोकस किया गया है, तो इसलिए इनपे छोड़ दिया, अब हमने अपनी तरफ से तो देखो पूरा कर दिया, करना तो है ही, देखो एट दी एंड नहीं लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। तो अब बताओ यार कुछ आगे का प्लान बताओ, ये सारी चीज तो चल रही है, आप बताओ क्या प्लान है, व्लॉग को नहीं हैम्पर कर सकते, व्लॉग व्लॉग कुछ हैम्पर नहीं हो रहा, आप बताओ कि आप कोई दवाई दवाई की बात कर रहे थे। हाँ मेरी दवाई लानी थी, खत्म हो चुकी है, तो एक वो काम कर दो, गर्मी बहुत आ चुकी है एकदम, हाँ इतना हीट और मोमेंट हो गया था, मैडम साहब हमारी सो रही है नीचे, और यार हमने एक रील डाली थी, मतलब कुछ अच्छा तो हुआ है उसमें, बहुत अच्छे व्यूज आ गए, तो हम उसको जो है थोड़ा वो देख के थोड़ा खुश हो गए, मोटिवेटेड हो गए। यार मैं सोच रहा था कि ना कुछ कुछ यूनिक लिखता हूँ, कुछ रिलेटेबल लिखता हूँ मैं, तो एक नॉर्मल सी रील थी, गाड़ी पे ड्राइव कर रहे हैं, नाइट लाइफ है दिल्ली की, तो उस पर अच्छे व्यूज आ गया, रिस्पांस अच्छा आ गया, मतलब 60-70 तो शेयर हो गए, 10,000 व्यूज आ गए, तो ऐसे ही यार चीजें चल रही हैं, चल रही हैं, वाइग्रू मेल करते रहेंगे, पर आपकी क्रिएटिविटी बंद नहीं होनी चाहिए। तो गाइस एक काम कर लेते हैं, उसकी दवाई लेके आते हैं शालू की, लेट्स नॉट स्पॉइल द एंटायर डे, इस चीज़ में बैठे रहेंगे तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, और अभी तो टाइम है, अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं, तो 6 बजे का कॉल का वेट करते हैं, 7 बजे लॉग आउट कर देंगे, जैसे सारी कंपनीज डज लॉग आउट करके उसके बाद भूल जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, घर भागने की पड़ी होती है, हम भी एक टाइम पे करते थे, बट रेजोल्यूशन पूरा देते थे भाई साहब, पूरा रेजोल्यूशन दिया है, तो अभी दवाई लेकर आते हैं और पूछ लूँगा कि रास्ते में कुछ खाना है तो वो भी ले आते हैं, चलो फटाफट चलते हैं। मैडम भी आजकल ना बहुत ज़्यादा लेजी हो गई है, मतलब रात को पूरी रात ये एक्टिव रहती है, खेलने का मूड करता है इसका, और सुबह ये पूरा स्लीपी मोड पे होती है, जैसे कि नाइट शिफ्ट कर रही है। हाँ जी डोरा उठ रही, देखो कौन आ गया, ये देखो कौन आ गया, आपसे सारे मिलना चाहते हैं यार, इतने टाइम से आपसे मिले नहीं है, सबको हाय कर दे मेरे बच्चों, ओए हाय कर दे, हाय कर दे, आपका क्लिप है ना, हाय कर दे, हाय कर, तू खाएगा कुछ, भूख लगी है, ये देखो भूख लगी है तो विगलिंग स्टार्ट हो गई है, उठना नहीं है, लेजी बनी हुई है, ये क्या हो रहा है, करूं गुद्दी लाल करूं। यहाँ पे ऑयल चेंज हो जाएगा यार, काफी टाइम हो गया, मतलब 1,000 किलोमीटर ऊपर हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि ये बंद हो जाए और इसमें काला धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए, तो इसको आज ऑयल डलवा के फिट करवाते हैं। जुलाई एंड हो चुका है, अगस्त आने वाला है और ये बारिशों वाला महीने है, तो आप बताइए यार कहीं पहाड़ों पे जाया जाए या ना जाया जाए, अभी रुक जाए या सितंबर में जाया जाए, थोड़ा सा बताओ, क्योंकि प्लानिंग कुछ चल रही है, खुरापात कुछ चल रहा है, तो आप थोड़ा सा सजेस्ट करो, और जो मेरे भाई लोग पहाड़ों से हैं जो देख लेते हैं जिनके पास वीडियो जाती है, तो वो भी बताइए कि अभी आना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा बता रहे हैं यहाँ पे 20% की छूट भी मिल रही है ऑयल पे, तो इंडियन ऑयल पे, सारे इंडियन ऑयल पे है, तो कहीं भी जाइए इंडियन ऑयल पे, अगर आपने चेंज करवाना है, नहीं करवाया इंजन ऑयल तो चेंज करवा लो भैया, 20% का डिस्काउंट डायरेक्ट। यार ये 1,000 किलोमीटर ऊपर हो चुका है, तो पता नहीं पेट्रोल इसमें सॉरी इंजन ऑयल निकलेगा या नहीं निकलेगा, आप चाचा ही बताएंगे इस पर देखकर, काला धुआं निकल जाता तो समझ आ गया तो सूख जाता पूरा का पूरा। हाँ निकल रहा है, शुक्र है ना अभी, बट तब भी यार 1,000 किलोमीटर ऊपर हो गए थे, टाइम से चेंज करा लेना चाहिए था चाचा, और क्या अपना इंजन ठीक रहेगा। तो गाइस देखो सारा निकल रहा है काफ़ी देर तक, मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ी सी बूंदें निकलेंगी, बट निकल रहा है,
इसका मतलब इंजन ठीक है, अभी हमारा काम कर रहा है 6 साल बाद भी। तो गाइज ये देख लो यार, कमाल की आउटफील्ड है यार। आपको लग रहा होगा ये ग्राउंड कहाँ पर मैं आ गया हूँ, कहीं लॉट्स में तो नहीं आ गया। और ये सामने हमारा भुज खलीफा दिल्ली का, ये देखो नन्हे नन्हे, ये फ्यूचर है भैया क्रिकेट के। बहुत बढ़िया कटिंग कर दिया भाई साहब, बट यहाँ पे सिर्फ 1 लाख है। अगर यहाँ पे पिच बन जाए ना, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट हो जाए तो लाइटें लगवा देंगे भैया, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। बहुत मज़ा आएगा भाई साहब, आराम से आराम से। पिच तो बनी हुई है, पिच का तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि अनइवन है सारी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो यही सोच रहे हैं कि यार अगर ये ग्राउंड रेडी हो जाता है तो हमारे लिए ये हमारा होम ग्राउंड हो जाएगा और हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये देख लो आपके सामने 360 डिग्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्रास लेवल बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत ही एक्सीलेंट ग्रास लेवल कर दिया, बस यहाँ पे पिच बन जाए ना तो मज़ा ही आ जाए यार। तो गाइस अभी चलते हैं यार इनको एंजॉय कर रहे। तो देखो यहाँ पे कुछ बन पाता है प्लान तो मैं बात करूँगा अपनी टीम से। तो अभी चलते हैं कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, फिर घर पहुँचते हैं। और मैं कॉल का भी वेट कर रहा हूँ, उनका आने वाला है भाई, देखते हैं क्या रेजोल्यूशन देने वाले हैं। एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कि ऐसे मिसलीड करेंगे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ यार पॉलिसी लिया और ये हाल है इनका। तो लेट्स सी क्या रेजोल्यूशन मिलता है। और मैं अपने आप को अभी ना काम रखूँगा, मुझे इन शिटी और पिटी थिंग्स में ना अपना एंगर और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना यार, बिल्कुल भी यार। चलो चाचा वापस करने कौन आएगा यार, नहीं आएगा कोई, एक बार निकाल देता हूँ। चाचा बोले काम मत करियो, सही सही डाल दियो दाने, कितने डालने डाले। नहीं मैंने शुगर वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो मैं डालता हूँ ना, डालता हूँ, ज्यादा मत डालना। ये लो आम, वैसे ही बहुत मीठे हैं, मतलब खट्टे हैं थोड़े से। खट्टे तो नहीं है, खट्टे नहीं है। टेस्ट कर लिया आपने? हाँ मैंने टेस्ट कर लिया। पहले टेस्ट कर लिया है, हम वॉशरूम कहाँ गए, पीछे से आम ही साफ हो गया है। बढ़िया सा बना दो। हाँ मैं खुद ही बोल रहा हूँ, इसको बढ़िया सा बना दो। कितनी चीनी डालनी है मुझे नहीं पता, ज्यादा डालनी है क्या? नहीं ज्यादा, 2 स्पून ओनली, 2 स्पून चीनी मैंने कम ही डाली है वैसे। भाई दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने दिखने में नहीं, ये पीने में भी बड़ा अच्छा होगा बेटा। ठीक तो बिल्कुल ही नहीं बना, बढ़िया बना है, मजेदार। तो कोई बात नहीं है, अब सेकंड टाइम आप बना देना, ठीक है? अभी मुझे एनर्जी चाहिए ना, मुझे कॉल पे लगना है दोबारा, इनका सर खाना है और ये चीजें जो इन्होंने खराब करी है वो ठीक कराना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए गाइस। तो ये पी लेते हैं।